नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि जंक फूड क्या होता है और ये महीनों तक सुरक्षित कैसे रहता है। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे जंक फूड के बारे में और ये सुरक्षित कैसे रहता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्या होता है जंक फूड। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार जंक फूड प्रोसेस्ड फूड है जिसमें पोषक तत्वों की कमी तथा नमक, चीनी और फैट की मात्रा अधिक होती है। तो ICMR के अनुसार जंक फूड एक प्रोसेस्ड फूड होता है। ठीक है, उसमें पोषक तत्व नहीं होते या कम होते हैं, लेकिन चीनी, नमक, फैट ज़्यादा होता है, जंक फूड है। जंक फूड हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। जंक फूड हाई कैलोरी वाले पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, और प्रिजर्वेटिव के इस्तेमाल से ही ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इन खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के लिए आकर्षक पैकेजिंग और स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जंक फूड को ज़्यादा बिक्री हो जंक फूड में तो आकर्षक पैकेजिंग और स्वादिष्ट में अलग अलग रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यावसायिक उत्पादों में नमकीन, स्नैक फूड, गम, कैंडी, शक्कर युक्त मिठाइयाँ, तला हुआ भोजन और मीठे कार्बोहाइड्रेट पेय शामिल होते हैं जो बहुत कम या बिना पौष्टिक होते हैं, जिसमें ज़्यादा नमक, शुगर और वसा होती है। ठीक है, इन जंक फूडों का जो जो पौष्टिक तत्व हैं, ठीक है, वो कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर नमक, शुगर और वसा, फैट पाया जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक अध्ययन में बताया कि भारत में बिकने वाले ज़्यादातर पैकेज्ड फूड और फास्ट फूड में नमक, शुगर और वसा की बहुत अधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बताया है कि जो भारत में पाए जाने वाले पैकेट वाले जो भी भोजन है या फास्ट फूड जो भी है, तो उसमें नमक, शुगर और वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अध्ययन में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में इन जंक फूड में साल्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो निर्धारित किया है FSSAI या खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो मानक निर्धारित किया गया है, उससे ज़्यादा इन जंक फूड में साल्ट यानी नमक, चीनी, कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया जाता है। ठीक है, जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर में अतिरिक्त वसा, कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे मोटापा और हृदय संबंधित रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब जंक फूड में वसा, शुगर, ठीक है, शुगर हो गई, नमक हो गया, वसा हो गया, ये सब होने के कारण शरीर में जो है ये स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण मोटापा या हृदय संबंधी खतरा और भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप BP, ओबेसिटी जैसे रोगों के कारण हार्ट अटैक की समस्या भी युवाओं में बढ़ती है। ठीक है, तो इन फास्ट फूड खाने से BP, ओबेसिटी, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। अध्ययन में ऐसा भी सामने आया है कि जंक फूड के अधिक सेवन से मस्तिष्क उसी तरह प्रभावित होता है जैसे नशे की दवाइयों का सेवन करने से होता है। ठीक है, तो अध्ययन से ये भी पता चला है कि जंक फूड का इस्तेमाल करने से शरीर में भी ओ सॉरी मस्तिष्क में भी प्रभाव पड़ता है। जिस तरह नशीली दवाओं का सेवन करने से मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है, उसी तरह जंक फूड के इस्तेमाल से
भी मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं ये फूड? फास्ट फूड या जंक फूड किस तरह लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, देखते हैं। देश में व्यस्त लाइफ के साथ पैक्ड फूड की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में मिलने वाला ये पैक्ड फूड सेहत के लिए कितना हानिकारक है? ठीक है, तो ओके, आइए आगे देखते हैं। इन पैक्ड फूडों को महीनों तक संरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरह के प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर में पहुंच के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पैकेट वाले फूड, ठीक है, इनमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव सुरक्षित करने के लिए रसायन, प्रिजर्वेटिव ये सब इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शरीर में निगेटिव इफेक्ट देते हैं। ओके, प्रिजर्वेटिव खाद्य पदार्थों में रासायनिक परिवर्तनों और ऑक्सीकरण या फंगस के खाने को खराब होने से बचने फंगस से खाने को खराब होने से बचने के लिए तथा खाने को फ्रेश बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कई केमिकल होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेटिव खाद्य पर खाने वाले पदार्थों में रासायनिक परिवर्तनों जैसे कि तो खाने में कोई भी रासायनिक परिवर्तन ना हो जिसके कारण खाना खराब हो जाए, फंगस ना होने पाए। ठीक है, खाद्य को खाने को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो खाने को फ्रेश बनाते हैं या खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, उन्हें प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे एंटी माइकोटिक्स फलों के रस, पनीर, ब्रेड जैसे उत्पादों में फंगस के विकास को रोकते हैं, और सूखे फल आदि में सोडियम और कैल्शियम प्रोपियोनेट और सार्विक एसिड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक प्रिजर्वेटिव है एंटी माइकोटिक्स फलों के रस, जो पैक्ड रस आते हैं, ठीक है, जूस, पैक्ड जूस आते हैं, पनीर है, ब्रेड है, इन प्रोडक्ट को फंगस से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंगस अगर एंटी माइकोटिक्स होता है तो फंगस वहाँ पर ग्रो नहीं करते। सूखे फलों के लिए सोडियम, कैल्शियम प्रोपियोनेट, सार्विक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये प्रिजर्वेटिव है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टोल्यूइन या BHT विभिन्न प्रकार के फैट और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण द्वारा उत्पादित बासीपन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे तेल या फैट से बना, तेल घी से बने जो भी पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टोल्यूइन या BHT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके प्रयोग से जो भी पदार्थ है उसमें बासीपन नहीं आता है, यानी कि वो फ्रेश रहता है खाना। तो इस तरह फल, पनीर, ब्रेड जैसे पदार्थों के लिए या उत्पादों के लिए एंटी माइकोटिक और सूखे फलों को सुरक्षित करते हैं सोडियम, कैल्शियम प्रोपियोनेट, सार्विक एसिड से, और फैट तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को रोका जाता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टोल्यूइन या BHT का प्रयोग करके प्रिजर्व किया जाता है। ओके, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए और खाने में बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मांस को सड़ने से बचाने के लिए
प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, और खाने में बैक्टीरिया ना हो इसके लिए भी सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। वहीं बेक्ड फूड के संरक्षण के लिए एंटी स्टालिंग एजेंट जैसे ग्लाइसरिल मोनोस्टेरेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेक्ड फूड को भी बचाने के लिए एंटी स्टालिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि ये पदार्थ स्टार्च से पानी की कमी को रोककर काम करते हैं। तो ये पदार्थ पानी की कमी को रोक देते हैं जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जंक फूड समझा कि जंक फूड में क्या होता है, किसे जंक फूड कहते हैं, और ICMR ने जंक फूड किसे कहा है। जंक फूड को प्रिजर्व कैसे रखा जाता है महीनों तक, ये देखें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।